बच्चों पार्टी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में ऊपर है क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का ये बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री जिसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं प्लेन। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज का कल जो है ना इसका इससे पहले वाला जो वीडियो होगा आपका प्लेन का उसमें हमने पूरा प्लेन क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का जितने भी टाइप होता है वो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, साथ में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप जो वीडियो देखते हैं ना एकदम सीक्वेंस वाइज देखिए वीडियो। ठीक है, तब जाकर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो अगर बीच में से किसी वीडियो को देखिएगा फिर उसको आधा देख के छोड़ दीजिएगा फिर दूसरा अगर क्वेश्चन देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन को बनाने के लिए मैथ्स को समझने के लिए पहले मैथ्स को जो है ना अच्छे तरीके से आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर उसका क्या कीजिएगा आप धुआं धुआं कर दीजिएगा, नहीं तो तुम्हारा जो है ना पूरा धुआं कर देगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है शो दैट फोर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर क्या कोप्लैनर। क्या है कोप्लैनर है, याद करो कोलिनियर। क्या पढ़े थे हम लोग इससे पहले कोलिनियर। कोलिनियर मतलब जब तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर होगा, तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर होगा क्या होगा कोलिनियर। ठीक है, और कोप्लैनर जब चार पॉइंट क्या होगा एक ही प्लेन में होगा उसे क्या बोलेंगे कोप्लैनर। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि कोई भी प्लेन में चार पॉइंट होगा तो वो क्या कहलाएगा कोप्लैनर कहलाएगा। कोप्लैनर कैसे हम प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है उसको देखते हैं। और साथ में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब इस पॉइंट से जो पास करेगा तो उसका प्लेन का इक्वेशन क्या होगा वो निकालना। ठीक है, तो आ जाओ तो यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन, ठीक है, गिवन पॉइंट्स आपके पास क्या है, गिवन पॉइंट्स पहले ए ए कितना है 3, 2, -5 ओके, उसके बाद बी कितना है -1, 4, -3 एंड सी कितना है -3, 8 और -5 पहले इतना को लेकर के चलिए। ठीक है ना, डी को बाद में देखेंगे, इसका नाम दीजिए x1 y1 z1। ठीक है, यहां हो जाएगा कौन सा x2 y2 z2, यहाँ कितना हो जाएगा x3 y3 z3। ठीक है, अब आ जाओ पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला, बोलो बोलो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ x-x1 y-y1 z-z1। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं x2-x1 y2-y1 z2-z1, यहाँ x3-x1 y3-y1 and z3-z1 बराबर इधर 0। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, x तो ठीक है x1 कितना 3, y तो ठीक है y1 कितना हो गया 2 तो यहाँ -2, z-z1 कितना है -5 तो -+5, x2-x1 तो -1 इधर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ y2-y1 कितना 4, अब इधर 2, z2-z1 कितना -3 और z1 कितना -5 तो +5, यहाँ आ जाओ x3-x1 कितना है -3 और x1 कितना है 3 है तो यहाँ -3, y3-y1 कितना है 8 माइनस कितना बोलो y1 तो 2 ही है तो -2 हो जाएगा, z3-z1 कितना है -5 और z1 कितना ऑलरेडी -5 बीच में माइनस, हाँ -3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 0। ठीक है, अब इधर कितना होगा बोलो x-3, यहाँ लिखते हैं x-3, उसके बाद कितना y-2, उसके बाद z+5 ओके, यहाँ -1 -3 कितना -4, यहाँ कितना हो जाएगा 2, इसको माइनस करो कितना 5 -3 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -6, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 = 0। ठीक है ना, अब बोलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो डिटरमिनेंट मेथड कितना होता है कैसे करते हैं बोलो, डिटरमिनेंट है ना तो डिटरमिनेंट में क्या करते हैं x-3 को लेंगे इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 0 = 0 बीच में माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 12। ठीक है, ये वाला टर्म माइनस में लेते हैं तो y-2, फिर इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 0 बीच में माइनस होता है -6 × 2 -12, ऑलरेडी माइनस पहले से है तो ये +12 प्लस कितना इधर z+5 लेंगे तो इधर कितना होगा ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -24 बीच में माइनस, इधर से कितना होगा 12 तो -, इधर कितना +12
इसको टू जीरो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ x माइनस थ्री, तो ठीक है जीरो माइनस ट्वेल्व तो माइनस ट्वेल्व, यहाँ कितना हो जाएगा y माइनस टू, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस ट्वेल्व, यहाँ कितना है z प्लस फाइव, यहाँ कितना माइनस ट्वेंटी फोर और प्लस ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व ये भी हो जाएगा बराबर जीरो। सब में से क्या करेंगे हम, माइनस ट्वेल्व कॉमन ले लो या ट्वेल्व भी कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस वन, तो ये रहा x माइनस थ्री एन टू माइनस वन y माइनस टू, यहाँ तो ट्वेल्व कॉमन हो के बाहर, यहाँ कितना हो जाएगा z प्लस फाइव, ठीक है। एक मिनट, तो बच्चों देखो यहाँ 12 बाहर होगा तो यहाँ कितना माइनस वन बचेगा बराबर जीरो, ठीक है। ये 12 जो बाय क्रॉस होकर खत्म, तो यहाँ कितना माइनस वन से इधर डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई होगा, एक ही बार इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस थ्री, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर कितना इस माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस वाई अब प्लस टू, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई अब प्लस टू, ठीक है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जेड माइनस फाइव इसको टू जीरो, यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। थ्री प्लस टू कितना फाइव और माइनस फाइव कैंसिल आउट, यहाँ जीरो, माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस वाई बराबर जेड, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा जो ये कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट डी है, अब कैसे ही हम पहचानेंगे कि ये कोप्लेनर है, प्रूफ क्या करना है, पहले कोप्लेनर, तो कोप्लेनर में क्या है, पॉइंट डी है ना, डी को इस वाले प्लेन को इस पॉइंट से पास कर दो। यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, इट इज पासिंग थ्रू कौन सा डी, डी का कितना पॉइंट है माइनस थ्री टू और वन, इसका मतलब एक्स के जगह क्या पुट करेंगे माइनस थ्री, वाई के जगह टू और जेड के जगह वन, तो यहां कितना होगा माइनस थ्री प्लस टू प्लस वन बराबर जीरो, तो माइनस थ्री ये भी थ्री बराबर जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो बराबर जीरो। मतलब क्या देख रहे हैं कि डी पॉइंट जो है इस वाले प्लेन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब पॉइंट डी पक्का आपका क्या होगा किसमें, इसी प्लेन में लाई करेगा, तो इसका मतलब ये ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। यहां पर ये क्या किया, सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई, यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था, हो गया कहानी खत्म। तो कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन है, पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए तीन पॉइंट से पास करता है, उसके बाद क्या करना है, जो चौथा पॉइंट से पास करा दीजिए, अगर सेटिस्फाई हो गया तो क्या होगा वो कोप्लेनर होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोप्लेनर नहीं होगा, क्योंकि कोप्लेनर क्या कंडीशन है होता है, जैसे मान लीजिए प्लेन हो गया, ठीक है ना, ए बी सी और डी चारों पॉइंट क्या होगा इसी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम है, इसमें भी आपके पास चार पॉइंट्स दिए गए हैं और कह रहा है कि फाइंड आउट कौन सा इक्वेशन ऑफ प्लेन, और क्या प्रूफ करना है आपके पास, ये चारों पॉइंट क्या है कोप्लेनर। हमने तीन पॉइंट लिखे एबीसी, सबका नाम दिया एक्स वन वाई वन जेड वन, तीनों में नाम दे दिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन का ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं सबका, ध्यान से देखो क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है जीरो, तो यहाँ जीरो, y माइनस यहाँ कितना है y1, तो y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है माइनस वन, तो प्लस वन, z माइनस कितना है z1, z1 कितना है जीरो, ठीक है, इसको उसके बाद क्या x2 टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू कितना है टू और माइनस इधर जीरो, ठीक है। y2 टू माइनस वाई वन, तो कितना है वन और माइनस माइनस इधर प्लस वन, तो वन प्लस वन, उसका z2 टू माइनस जेड वन कितना माइनस वन और इधर माइनस जीरो, तो माइनस वन और माइनस जीरो, ठीक है। उसके बाद कितना है x3 थ्री माइनस एक्स वन, तो एक्स थ्री कितना है वन, है ना, और एक्स वन कितना है जीरो, तो वन माइनस जीरो, उसके बाद कितना एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री कितना है वन, वाई वन भी माइनस वन है तो प्लस हो गया, जेड थ्री माइनस जेड वन, जेड थ्री कितना है वन और जेड वन कितना है जीरो, तो यहाँ माइनस जीरो, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस वन, इधर जेड, यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई प्लस वन, इधर हो जाएगा z, ठीक है। यहाँ कितना टू, यहाँ भी टू, यहाँ माइनस वन, टू टू माइनस वन, ठीक है, यहाँ वन टू वन, वन
टू वन बराबर जीरो, ठीक है। अब बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बोलो फटाफट क्या होगा। हाँ हाँ सर, डिटरमिनेंट मेथड से, वेरी गुड। x को लेंगे तो x के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 2 इंटू वन कितना 2, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2, ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस 2, इस वाले टर्म को माइनस लेते हैं तो y प्लस 1, इसके सामने वाली ऐसे, इसके सामने ऐसे छोड़ दीजिए, 2 इंटू वन कितना 2, बीच में माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, फिर z लेंगे, z के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, इधर हो जाएगा माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, अब बराबर जीरो, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ 2 प्लस कितना 1, कितना होगा 3, तो इसको लिख लो y प्लस 1 इन टू इधर 3, एंड z यहाँ कितना हो जाएगा 2, इसको 2 0, यहाँ हो गया 4x मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3y, माइनस प्लस माइनस 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 3, यहाँ 2z इसको 2 0, ठीक है। तो ये फाइनली इधर इसको लिखेंगे हम, तो 4x यहाँ कितना होगा 4x माइनस 3y और प्लस कितना 2z, और इधर क्या बचा माइनस 3 इसको 2 0, ठीक है। यही आपका क्या निकला, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पॉइंट टी को इससे पास कराते हैं, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे इट इज पासिंग थ्रू डी, पासिंग थ्रू डी, डी में कितना है 330 है, 330। अब आ जाओ x के जगह 3, y के जगह 3, z के जगह भी 3 पुट करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो क्या होगा चारों पॉइंट खुली को प्लेनर है, ठीक है। यहाँ पर x के जगह पर 3 दोगे तो 4 इंटू कितना 3, 3 इंटू कितना y के जगह भी 3, प्लस 2 इंटू कितना z, z के जगह 0, माइनस 3 बराबर 0, यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 12, यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस 9, ये तो हो गया 0, यहाँ माइनस 3 बराबर 0, यहाँ 12, 9 माइनस 9 माइनस 3 कितना माइनस 12, इसको 0, ये कट के भी 0, 0 बराबर 0, ये भी क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया। तो सेटिस्फाइड हो गया तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एंस गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट्स आर को प्लानर, यही प्रूव करना था, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर नंबर में है, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन हूज इंटरसेप्ट, यहां ध्यान दो क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ प्लेन है लेकिन कैसा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या था इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था बोलो, कैसा इंटरसेप्ट फॉर्म, तरीका इंटरसेप्ट, सी एस ई पी टी, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x by a plus y by b plus z by c equals to 1, ये था, ठीक है ना। अब वो मत लिखे ना, तीन पॉइंट वाला डिटरमिनेंट वाला, ठीक है। ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर 2 माइनस 4 और 5, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां देखो जो पहला वाला वैल्यू है वो a का वैल्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा b का वैल्यू, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा तीसरा वाला यानी 5, ठीक है। अब यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ क्या, प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक बड़ा फड़िया के लिखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, कितना होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो x तो ठीक है, a का वैल्यू कितना है 2, यहां रखिए 2, प्लस y अपॉन कितना, b का वैल्यू माइनस 4, तो यहाँ माइनस 4 दीजिए, z अपॉन c, c का वैल्यू 5 बराबर 1, ठीक है। ये रहा x बाई 2, ये प्लस माइनस मिलते हैं माइनस, यहाँ y अपॉन 4 और z अपॉन कितना 5 इसको 1, एलसीएम कितना हो यहाँ पर 20 एलसीएम हो जाएगा, 10 बार में लगेगा इधर, यहाँ कितना 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 बार, फिर यहाँ हो जाएगा 4z बराबर 1, इसको इधर ले आओ तो यहाँ कितना होगा 10x माइनस 5y प्लस 4z, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 20, यही हो गया आपके पास क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फाइव नंबर क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस वन 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 12 टू द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब सिंपल क्या है, ये जो इक्वेशन है ना इसको इस रूप में चेंज करना है, इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है, और साथ में आपको ए बी सी का वैल्यू क्या होगा वो लिखना है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ लिखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना दिया हुआ है बोलो, यहाँ 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 12, ठीक है, किसमें चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है कि बराबर के साइड 1 होगा या बराबर के साइड हम 1 रहेंगे, ठीक है ना। तब देखो बराबर के इस साइड 1 कैसे आएगा, इस साइड क्या आएगा 1, तो सिंपल है सर, 12 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब 12 से डिवाइड देंगे तो दोनों तरफ डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 12 ऑन बोथ साइड्स। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है बराबर के साइड 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या से डिवाइड देना पड़ेगा 12 से, अगर 4 होता तो 4 से, 100 होता तो 100 से डिवाइड देते, ठीक है। तो आ जाओ 4x माइनस 3y प्लस 2z अपॉन 12, यहाँ 12 अपॉन 12 कट गया, इस सब को सेपरेट करके लिख सकते हैं 4x अपॉन 12 माइनस 3y अपॉन 12 प्लस 2z अपॉन 12, इधर देखो 1, इसको काट दीजिए तो 3 टाइम में कटा, इसको कितना 4 टाइम में, यहाँ कितना 6 टाइम में, तो इसको क्या x बाई 3 माइनस y अपॉन 4 अब प्लस z बाई 6 इक्वल्स टू 1। बहुत बच्चा यहाँ पर आंसर लिख जाएगा, हो जाएगा गलत, क्यों, क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, यहाँ बीच में क्या होना चाहिए प्लस, क्या होना चाहिए प्लस, और यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया। अब देखो e माइनस को हम कहाँ हटाएंगे, x अपॉन 3 यहाँ प्लस लिख लो, ये वाला माइनस को नीचे ले लो, y अपॉन कितना माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, प्लस कितना z बाई 6, ये तो प्लस है सही है, z अपॉन कितना इधर 6 अब बराबर, यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इसकैसा इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है इंटरसेप्ट प्लेन के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो प्लेन कितना कहता है इंटरसेप्ट करेगा, अब यहां पर सीधे लिख दीजिए इंटरसेप्ट कितना, x के साथ 3 इंटरसेप्ट करेगा, y के साथ माइनस 4 और z के साथ 6, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, एक आंसर आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2-3,7 एंड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो क्या है इंटरसेप्ट, इसका मतलब पक्का ये वाला फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मतलब क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब ये हो गया एक्स वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, तो ये प्लेन हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिला दिए हम यहाँ, इस सब के साथ क्या कर रहा है इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। तो मतलब ए और बी और सी तीनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, यही है ए और बी सी, ए बी सी क्या बराबर, ठीक है ना, ये याद रखो। तो देखो इसमें सबसे पहली बात, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा, इंटरसेप्ट फॉर्म, कैसा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होता है एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ए बराबर बी बराबर सी है, ठीक है, इसके बराबर कुछ लेमडा या के मान लो, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन कितना ये इसके इक्वल ए सी को ले लेमडा के होता है, ए के जगह लेमडा, y अपॉन कितना b इसके जगह भी लेमडा पुट कर सकते हैं, z अपॉन कितना c के जगह भी लेमडा पुट कर दीजिए बराबर में 1, ठीक है। यहाँ लेमडा एलसीएम लीजिए तो x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू कितना 1, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू कितना लेमडा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसका नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू, देखो कौन सा पॉइंट वहां दिया हुआ है 2
माइनस थ्री एंड सेवन, यहाँ यहाँ यही पॉइंट से पास कर रहा है, तो x के जगह पर कितना, यहाँ टू, y के जगह पर माइनस थ्री, z के जगह पर सेवन रखेंगे तो कितना होगा बोलो, यहाँ हो जाएगा टू, यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री, और z के जगह पर कितना सेवन है, इज इक्वल टू कितना है लैम्डा, तो कितना हो जाएगा सात दोनों नौ में से तीन गया तो छः, तो लैम्डा बराबर सिक्स, कितना निकला लैम्डा का वैल्यू, सिक्स निकला लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन वन में रखो, तो यहाँ लिखेंगे पुट लैम्डा इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आप देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या, एक्स प्लस वाई बराबर लैम्डा, एक्स प्लस वाई इज प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना सिक्स, तो यहाँ पर आप सिक्स, ठीक है, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो हम हर एक चीज हर एक पॉइंट पर प्लस माइनस कॉमा टू कॉमा, समझ में आ रहा है, एक्स वन वाई वन हर एक चीज का वैल्यू हम एकदम धीरे धीरे हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप तो करते क्या है, हुरहुरा के जो है ना क्या करते हैं, वीडियो को जल्दी से स्किप करते आगे बढ़ जाता है, तो उसमें कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। और नहीं समझिएगा अभी तो एग्जाम में आपके पास जो है ना बहुत ही दिक्कत होगा, लेकिन वही जो बच्चा मन अस्थिर होकर के जो है ना पढ़ेगा, मन अस्थिर होकर के जो वीडियो देख लेगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो यहाँ से जो है ना आवाज आएगा सर से लेकर के पांव तक, तुम बहुत खूबसूरत हो, समझ में आया, किसके लिए आएगा, जो ढंग से पढ़ा रहेगा उसके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।